Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे ही आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम फ़ोन पे GTA 5 खेल सकते हो। तो यार मैं आपको बहुत ही दुख भरे मन से कहना चाहता हूँ कि ये नहीं हो सकता। जी हाँ, आपको भी लग रहा होगा क्या पागल इंसान है, खुद को बोल रहा है कि थंबनेल पे दिखा रहा है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे खेलेंगे, बट हाँ यार नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि यार देखो, जो ये है, जो GTA 5 है, तो यार इसे खेलने के लिए कम से कम यार आपका 8 GB, मिनिमम 8 GB होना चाहिए आपके PC का। और फ़ोन में तो यार भूल ही जाओ, तुम खेल सकते हो इसे। यार बड़े बड़े PCs जो होते हैं, जो ढंग के PCs होते हैं, तुम्हारे मोबाइल से अच्छे PCs होते हैं भाई, वो भी एक टाइम पर मना कर देते हैं इस गेम को चलाने पर। तो यार तुम खुद ही सोचो, तुम अपने 1, 2, 3, 4 GB रैम वाले मोबाइल में कैसे चला सकते हो इस गेम को। तो यार ऐसा सोचना ही मत कि ऐसा हो जाएगा। तो यार देखो, अब तुम बोलोगे कि यार तू तो खेल रहा है, ये देख तेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यार मैं बता देता हूँ यार, ये मैं गेम अपने फ़ोन में चला रहा हूँ और चला भी नहीं रहा हूँ। तो यार तुम बोलोगे ये क्या पागल इंसान है, क्या बोल रहा है ये। तो यार देखो, हाँ यार ये मेरे मोबाइल पे नहीं चल रही है गेम। तुमने मिरर का नाम सुना होगा, मिरर करते हैं स्क्रीन को। तो हाँ यार, एक प्ले स्टोर पे ऐप आता है जिसका नाम है रिमोट, जो कि अपने PC को, मतलब कंट्रोलर आपने देखा होगा, वो कंट्रोलर अपने आपके फ़ोन को कंट्रोलर बना देता है और आपके PC के साथ कनेक्ट कर देता है। तो हाँ यार, ये मेरे PC पे चल रही है गेम, जो कि मेरा 32 GB रैम वाला अच्छा सा एकदम बढ़िया PC है, उस पर चल रही है यार ये गेम। मैंने सिर्फ अपने मोबाइल पे वो कंट्रोलर डाउनलोड किया है। तो यार यही है उसके पीछे का तिगड़म। तो यार अब तुम बोलोगे कि यार हमें बताओ खेले कैसे यार, GTA कैसे खेले। तो यार देखो, तुम GTA 5 तो नहीं खेल सकते अभी, बिल्कुल भी नहीं खेल सकते अपने मोबाइल पर। तो हाँ यार, वैसे प्ले स्टोर पर GTA Vice City और GTA San Andreas है, तो तुम यार वो खेल सकते हो, बट यार तुम ये नहीं खेल सकते, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा हैवी गेम है। तुम्हें कम से कम 94 GB की लगती है। देखो एक टाइम पे PC, अगर तुम्हारे पास ठीक का PC है, तुम इसे खरीद भी लो, तो यार तुम भी उसको इतनी अच्छी तरह नहीं चला पाओगे। और तुम बोल रहे हो यार तुम फ़ोन पे चला सकते हो इस गेम को, तो यार भूल ही जाओ, तुम इस फ़ोन पे चला लोगे इस गेम को, बिल्कुल भी नहीं चल सकती है आपके मोबाइल डिवाइस पे, तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो यार वैसे आप देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी तुमने YouTube पे कि हाँ यार ऐसे ऐसे चल जाएगी, क्लाउड गेमिंग से चल जाएगी, फिलाने से चल जाएगी, डिमकाने से चल जाएगी, ये कर लो, वो कर लो, रूट कर लो, फलाना कर लो, डिमकाना कर लो। तो भाई घंटा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल मत देखा करो यार, सिर्फ क्लिक बेट्स होते हैं। हाँ यार तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो यार अगर तुम्हारे पास PC है तो हाँ मैं उसके लिए बना सकता हूँ कि तुम फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। वैसे पहले GTA ने, रॉकस्टार गेमिंग ने GTA को फ्री कर दिया था, तुम फ्री कर सकते थे इसे डाउनलोड, बट हाँ यार तुम्हें 94 GB का डाउनलोड करना पड़ेगा उस टाइम पे करना पड़ता था जब ये फ्री हुआ था। तो पर अब तुम्हें इसे ख़रीदना पड़ेगा PC के लिए भी। तो यार अगर तुम चाहते हो मैं PC के लिए बनाऊं कि कैसे इसे डाउनलोड करें फ्री में, तो हाँ यार मैं वो बना सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो बना दूँगा तुम्हारे लिए। तो यार तुम कमेंट कर दो कि हाँ मैं बनाऊँ। तो और कोई गेम अगर तुम चाहते हो तो मैं उसका ही बना सकता हूँ तुम कैसे, बट हाँ यार तुम्हें प्ले स्टोर में मिल जाएगी GTA 5 और GTA San Andreas, वो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या तुम क्रोम से फ्री में भी कर सकते हो डाउनलोड, कोई बात नहीं। बट हाँ यार तुम्हारे वो चल जाएगी 2 या 3 GB की गेम है, तो यार तुम आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम जियो यूज़र भी हो तो जियो का रिचार्ज होता है कुछ 5 GB का, ठीक है वो भी होता है 5 GB का। तो यार मेरे घर में तो वाईफाई है इसलिए, तो अगर तुम्हें करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मोबाइल डाटा पे भी डाउनलोड कर सकते हो उसे। बट हाँ यार साफ सी बात यही है मेरा इस वीडियो को बनाने की कि हाँ यार तुम नहीं खेल सकते, बिल्कुल नहीं खेल सकते तुम इस गेम को अपने PC पे, मतलब PC बोल रहा हूँ, सॉरी अपने मोबाइल पे नहीं खेल सकते, बिल्कुल भी नहीं, चाहे तुम्हारे पास कितना भी अच्छा मोबाइल हो, क्योंकि ये मोबाइल के लिए अभी तक बनी ही नहीं है और तुम्हारा मोबाइल इसे सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तुम कौन सा रॉकफोन 2 या 3 लेके घूमते हो, जो जिसकी
16 GB रैम होएगी, मिनिमम 8 GB रैम चाहिए इसे चलाने के लिए अपने PC में भी, कौन चला सकता है। और जो तुम्हें दिखाते हैं साइबर पंक चला देंगे, खिलाना चमका देंगे, ढिमकाना चमका देंगे, हाँ भाई चमका देंगे, वो तुम्हारा अच्छी तरह चमका देंगे, दिमाग चमका देंगे कि तुम हाँ ये कर लो वो कर लो, मैं नहीं कर सकते यार, तुम चमका ही देंगे तुम्हें। ये भी गेम चल रही है, सिर्फ मिरर हो रही है गेम को, ना कि सच में ये मिरर हो रही है सिर्फ गेम, तो वह मिरर हुई हुई दिख रही है, जो मेरे PC पे चल रही है वो सिर्फ मेरे मोबाइल पे मिरर हो रही है गेम। चल वो PC में रही है, मैंने सिर्फ इधर कंट्रोलर डाउनलोड किया हुआ है, कंट्रोलर की वजह से गेम इधर वीडियो चल रही है, एक तरह से तुम वीडियो समझ सकते हो, जैसे वीडियो होती है ना एक, वैसे वीडियो चल रही है और कुछ नहीं है। तो यार आशा करता हूँ यार तुम्हें समझ आ गया होगा कि नहीं चला सकती तुम इस गेम को अपने फ़ोन में, नहीं चला सकते बिल्कुल भी। तो हाँ यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता था आज की वीडियो में कि यार GTA 5 नहीं चला सकते, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ यार तुम नहीं बना सकते, नहीं खेल सकते इस गेम को अपने मोबाइल पे। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू यार आपने इस वीडियो को क्लिक करा और पूरा देखा, अगर आप देख रहे हो पूरी वीडियो। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।